नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास सनी सिंह जी आए हुए हैं, जो कि पिछले 10 सालों से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। ये आज हमसे कुछ बातचीत करेंगे। सनी सिंह जी, ये बताइए कि आप कैसे इस फील्ड में आए और कैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बने? ये मैं कॉम्पिटिशन ही देखता था हॉलीवुड में, तो उनको देख के बहुत शौक जागा कि मैं भी बॉडी बिल्डर बनूँ। तो अब मेरा सपना ये है कि मैं लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ, उनको अच्छा बॉडी बिल्डर बनाऊँ। सनी सिंह जी, ये बताइए कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है? अच्छा बॉडी बिल्डर होने के लिए तो उनको अच्छी डाइट होनी चाहिए और नशे से दूर होने चाहिए। वो एक जो भी उनके मम्मी डैडी बोलो तो वो करना चाहिए ना, तो टाइम से उठना चाहिए और अच्छा जिम लगाना चाहिए, अच्छी बॉडी बिल्डर। कभी कभी कुछ नौजवान एकदम कहते हैं कि एक दिन में ही बन जाए या एक सेट सभी सेट लगा देंगे, ये क्या सही है? नहीं, वो एक बार में कुछ नहीं होता, एक दिन में नहीं बन सकते। नहीं, और स्टेप बाई स्टेप जो करेंगे, मसल पंप होते हैं उनसे, तो मसल पंप होंगे तो बॉडी जल्दी बनेगी। हल्का जिम लगाना चाहिए, एक जैसे हैवी लगाते हैं वो गलत है। हल्के जिम से पंप होता है, धीरे धीरे अच्छी बॉडी बन जाती है। ओके, अच्छा ये बताइए कि आज के जो नौजवान है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? आज के जो नौजवान है वो नशे में ज्यादा है, ठीक है, तो कोई उनको शौक नहीं है क्या लाइफ में करना है क्या नहीं। उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छी बॉडी बनाओ, अच्छा माँ बाप का ना हो, बस तो यही मेरा मैसेज है कि अच्छे बनो, अच्छे बन के। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।